बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो वेरी गुड। आई एम लारे बामिर, इंग्लिश टीचर ऑफ IAUI स्कूल, डिंगा कैंपस। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूनिट 1, ट्रेडिशन टेल, और द टॉपिक था हमारा द शील्ड ऑफ काइंडनेस। रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। होप आप लोगों ने सिनोनिम्स भी लिख लिए होंगे। सबने लिखे हैं ना? राइट डाउन किए हैं सबने? वेरी गुड। अब देखते हैं जी, हमने एक्सरसाइज क्या करनी है इसकी। देखें ज़रा, व्यू आ रहा है सबको? वेरी गुड। देखें जी, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट हैड स्पॉइल्ड द फैमिलीज हैप्पीनेस फॉर मेनी ईयर्स। क्या चीज़ थी जो उनकी फैमिली हैप्पीनेस को काफ़ी सालों से क्या कर रही थी? ख़राब कर रही थी। क्या चीज़ ख़राब कर रही थी? उनके नेबर्स उनको तंग करते थे ना, जिस वजह से उनकी फैमिली हैप्पीनेस जो है वो ख़राब हो रही थी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा जी पेज नंबर एट की सेकेंड लाइन है। ये देखें, यहाँ पर ये मार्क हुआ हुआ है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये है द ग्रीडीनेस। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द ग्रीडीनेस ऑफ देयर नेबर्स। द ग्रीडीनेस ऑफ देयर नेबर्स स्पॉइल्ड, आगे से सारा आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर से ही होगा, स्पॉइल्ड फैमिलीज हैप्पीनेस फॉर मेनी ईयर्स। समझ आ गई है? स्टार्ट हम वहाँ से लेंगे। सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन का फोर्थ वर्ड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, द ग्रीडीनेस ऑफ देयर नेबर्स। वहाँ से करके आगे से फिर हम बाकी क्वेश्चन के अंदर से लेंगे, स्पॉइल द फैमिलीज हैप्पीनेस फॉर मेनी ईयर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट देखें जी, विच सन सेव द बेबीज लाइफ। तीन बेटे थे ना उसके, किस वाले बेटे ने उसकी जो बेबीज लाइफ है वो सेव की थी? द फर्स्ट सन। हाँ जी, फर्स्ट सन सेव द बेबीज लाइफ, ये हो गया इसका आंसर। होप पेंसिल्स आप लोगों के हैंड में हैं और आप लोग साथ साथ राइट डाउन कर रहे हैं। कर रहे हैं ना क्लास? वेरी गुड। नेक्स्ट देखें जी, व्हाई डिड द ओल्ड मैन सेट हिज सन अ टेस्ट। क्यों उसने एक टेस्ट जो है वो सेट किया था? इसका आंसर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, द ओल्ड मैन सेट हिज सन अ टेस्ट बिकॉज ऑफ द शील्ड ऑफ काइंडनेस। शील्ड ऑफ काइंडनेस की वजह से उसने सेट किया था ना, इसीलिए कि वो शील्ड ऑफ काइंडनेस जो है वो एज अ रिवार्ड अपने किस बेटे को दे। तो वो पूछ रहे हैं कि उसने क्यों टेस्ट जो है सेट किया था। आप लोग इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द ओल्ड मैन सेट हिज सन अ टेस्ट बिकॉज ऑफ द शील्ड ऑफ काइंडनेस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा क्लास, थिंक ऑफ अ फ्रेज दैट मीन्स द सेम एज थ्रेटन्ड देयर लाइव्स। क्या मतलब होगा इसका? हाँ जी, सोचे जरा, शाबाश। ये बेटा आप लोगों ने खुद लिखना है, इसका आंसर आप लोगों ने खुद लिखना है। जिस तरह ये एक फ्रेज है ना, थ्रेटन्ड देयर लाइव, चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ इसके साथ, इसका मतलब क्या होता है। इट मीन्स टू पुट समवन लाइव्स इन डेंजर। ये आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है? आगे कुछ क्रिएटिव राइटिंग आ रही है, मैं आप लोगों को इसलिए इसका आंसर बता रही हूँ, नहीं तो ये मैंने आप लोगों से ही लिखवाना था। देखें ज़रा इसका आंसर क्या बनता है, इट मीन्स टू पुट समवन लाइव्स इन डेंजर। उन्होंने कहा है इस फ्रेज़ की बजाय कोई और फ्रेज़ लिखें जिसका मतलब सेम यही हो। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। के जी, हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट वन, विच वर्ड बिलो बेस्ट डिस्क्राइब द ओल्डेस्ट सन एंड वाई। हाँ जी, कौन सा जो है जो ओल्डेस्ट सन है वो उसने क्या किया था, याद है ना क्या किया था? वेरी गुड। अब आपने बताना है कि उसने क्यों ऐसे किया था। इनमें से कौन सा वर्ड है जो बेस्टली डिस्क्राइब कर रहा है उसको? फुलिश, कर्जियस, सिंपैथिक या रिस्पेक्टेबल, बताएं जरा, सोचे शाबाश। द आंसर इज सिंपैथिक। वेरी गुड, क्योंकि उसने एक बेबी की लाइफ बचाई थी ना, इसीलिए। अब आप इसका रीज़न में लिखोगे, वाई लिखा हुआ है, वाई के साथ आप लिखेंगे बिकॉज ही सेव्ड अ बेबीज़ लाइफ, ये आप लोग उसके साथ लिखेंगे, ठीक है?
इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले में आप लोगों ने इनमें से वर्ड सिलेक्ट करना था और फिर आपने उसका रीज़न भी बताना था वाई को आंसर करने के लिए। आपने सिंपैथिक सिलेक्ट किया बिकॉज इट इज़ द राइट आंसर, साथ में आप लोग लिखेंगे बिकॉज ही सेव्ड अ बेबीज लाइफ। 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए आज, ये आप लोग अपने नोटबुक्स पे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग बाकी क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।